राजधानी के शाहपुरा स्थित मनोरपुर थाने में रिश्वत के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। एसीबी ने अवैध बजरी के खेल में कार्रवाई करते हुए 25,000 की रिश्वत लेते होमगार्ड कैलाश को और 7,000 की रिश्वत लेते हुए कोटपुतली में माइनिंग विभाग के LDC भूपेंद्र को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले की प्रारंभिक जाँच में थाना प्रभारी सहित अन्य स्टाफ की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस खेल में रिकवरी माफिया माइनिंग विभाग के साथ पुलिस की भी अहम भूमिका है। सभी मिलकर यहां से गुजरने वाले अवैध बजरी से भरे ट्रकों से रिश्वत वसूल कर आगे जाने देते थे। इधर ACB की कार्रवाई होने के बाद मनोरपुर थानाधिकारी राम सिंह यादव और हेड कांस्टेबल रोहिताश, कांस्टेबल कानाराम और यादराम मौके से फरार हो गए और अपने मोबाइल भी उन्होंने स्विच ऑफ कर लिए। इसमें देखने वाला इशू यह है कि टोल पे जो माफिया है, रिकवरी माफिया है, उसको बजरी की गाड़ी खड़ी करता है, करा करके वो मिली भगत करके, और पहले 50,000 रुपये उसने मांगता है बजरी का जो ड्राइवर और जो खलासी उनसे, वो नहीं देते हैं, थाने पे सूचना देते हैं, थाने वाले उनको लाकर खड़ी कर लेते हैं। उसकी कोई सूचना के संबंध में कहीं पे माइनिंग को कोई लिखित में सूचना नहीं जाती है, उनको केवल टेलीफोन से सूचना करना जानकारी में आया है हमें। अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा जब ये चीज़ें सामने आएंगी। और माइनिंग थाना और प्राइवेट रिकवरी माफिया जिनका कोई ये काम नहीं है, उस वो इसमें इन्वॉल्व है और संपूर्ण मामले को